नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए हनुमान जी की एक सच्ची महिला भक्त की कहानी लेकर आए हैं, जिसने आजीवन हनुमान जी की भक्ति करी। एक गरीब महिला थी जो हमेशा हनुमान जी की पूजा करती, उन्हें भोग लगाती और फिर खुद अन्न जल ग्रहण करती थी। वो रोजाना हनुमान जी को रोटी का चूरमा बनाकर भोग लगाती थी और भोग लगाते समय कहती, लाल लंगोटी हाथ में घोटी, मैं आपको खिलाऊं, खाइए रोटी। उसकी बचपन से यही दिनचर्या थी। जब उसके बेटे की शादी हुई तब तक तो सब ठीक था, लेकिन शादी के बाद एक दिन उसकी बहू ने उसे टोका और बोली, माताजी, घर में खाने को तो राशन नहीं है और आपको हनुमान जी को भोग लगाने की धुन सवार है। परंतु वह नहीं मानी। तब उसकी बहू ने गुस्से में आकर उसे कमरे में बंद कर दिया। वो महिला 6 दिनों तक उस कमरे में बंद रही। उधर एक दिन उसके बेटे की नौकरी छूट गई और वो लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। 7वें दिन उस महिला के कमरे में एक ब्राह्मण प्रकट हुए और उस महिला को उसी मंत्र के साथ खाने को रोटी का चूरमा दिया, जिस मंत्र से वो हनुमान जी को भोग लगाती थी। तब महिला ने खाने से मना कर दिया और बोली, आज तो आप खिला देंगे, कल कौन खिलाएगा, बाद में कौन खिलाएगा। तब वह ब्राह्मण बोले, मैं रोज आऊंगा तुम्हें भोजन कराने। तब महिला ने भोजन स्वीकार कर लिया। उस दिन उस महिला की बहू को सास का ध्यान आया। तब उसने कमरे में देखा कि महिला सकुशल थी और भोजन कर रही थी। ये देखकर बहू को बहुत गुस्सा आया और उसने ताना मारते हुए कहा, क्यों सासू माँ, अब मंदिर नहीं जाओगी, हनुमान जी को भोग नहीं लगाओगी। तब वह महिला बोली, मैं तो मरते दम तक मंदिर जाऊंगी, हनुमान जी को भोग भी लगाऊंगी। फिर बहू ने भोजन के बारे में पूछा तो महिला ने हनुमान जी की कृपा की सारी बात बता दी। ये सुनकर बहू को हनुमान जी की कृपा और अपनी सास की सच्ची भक्ति का एहसास हुआ और वो अपनी सास के पैरों में गिर पड़ी। और उस दिन से सास और बहू दोनों ने हनुमान जी को भोग लगाने का नियम ले लिया। हे हनुमान जी महाराज, जैसे उस बुढ़िया पर कृपा करी, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते और हुंकार भरते सब पर कृपा करिएगा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय।